हेलो व्यूअर्स वेलकम बैक टू नदर वीडियो जी प्यारे प्यार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर स्पेशली हम बात करेंगे फ्लोकिनो के ऊपर क्योंकि फ्लोकिनो एक काफ़ी बुलिश कॉइन देखने को मिल रहा है काफ़ी एक अच्छे मूव कर रहा है एक अच्छी खासी मार्केटिंग कर रहा है खुद को आगे लेके जाने की पूरी की पूरी, पूरी कोशिश कर रहा है तो इस वीडियो में हम सारी की सारी बातें करने जा रहे हैं फ्लोकनो के ऊपर तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ मूव करें अपने टॉपिक की तरफ मूव करें रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब चैनल Then what are you doing now? चल्दी 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 और अभी तक उस बटन को नहीं दबाया घंटे उनको दबाए ताकि फिलौकी नुकाइन हो या कोई भी कॉइन को इसके रिलेटेड कोई भी अपडेट कोई भी न्यूज कोई भी कंटेंट कुछ भी निकल गया है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस चीज को मिस ना कर सके सो यहाँ पर विदाउट भी इन्वेस्टिंग एन टाइम बात करेंगे फिलौकी की तो पहले हम देखते हैं फेयरन की रीड इंडेक्स को दबाई जो मार्केट है वो हमारी आज भी हमें फेयर स्कोर के साथ देखने को मिल रही है लेकिन कल जो था थर्टी फोर स्कोर था लेकिन आज हमें थोड़ा स्कोर एक डाउन ट्रेंड की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है तकरीबन थर्टी वन स्कोर के साथ एक फेयर कंडीशन में देखने को मिल रही है जो हमने देखा कि लास्ट वीक भी हमें ट्वेंटी टू स्कोर के साथ एक एक्सट्रीम फेयर कंडीशन में हमें देखने को मिली थी और लास्ट मंथ की बात करें तो बीस स्कोर के साथ एक एक्सट्रीम फेयर एक भयानक सी कंडीशन में हमें मार्केट देखने को मिली थी ओवरऑल जो मार्केट है वो बुरे हालात में बुरे ख्यालों में मूव कर रही है जैसे मार्केट हमें फेयर की कंडीशन में देखने को मिल रही है तो उस मार्केट के साथ अगर हम बात करें हमारे फिलोकिनो की, की तो बिल्कुल फिलोकिनो को अगर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ तो आप देख सकते फिलोकिनो भी 10.96 परसेंट भी 24 घंटों में डाउन गया है तकरीबन 2688 नंबर पर रैंक कर रहा है बी के हिसाब से 9.63 परसेंट डाउन गया है और इचीएम के हिसाब से 8.99 परसेंट तक एक डाउन ट्रेंड की तरफ गया है वहीं पर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसकी बात की जाए तो पिछले चौबीस घंटों में फिफ्टी टू पॉइंट नाइन फोर परसेंट इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी एक डाउन ट्रेंड की तरफ गया है एक बेयर रन की तरफ गया है तो ये ओवरऑल फिलौकिनों के हालात हैं फलोकिनों की कंडीशन है हमें एक अच्छी खासी बुल रन देखने को नहीं मिल रही क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको बी टी सी भी दिखाना चलूँ तो आप देख सकते हैं कि भाई बी टी सी स्टिल बी बीस हज़ार से तो अबव मूव कर रहा है लेकिन फिर भी इतना आगे नहीं निकल चुका है तकरीबन आप देख सकते हैं पिछले चौबीस घंटों में वन डाउन गया है इथी एम टू पॉइंट वन एट परसेंट डाउन गया है पी एन बन पॉइंट वन सेवन परसेंट डाउन गया है तो सारे के सारे पॉइंट्स हमें एक डाउन ट्रेंड की तरफ देखने को मिल रहे हैं तो ये ओवरऑल करंट हालात है मार्केट के अब बात करें फ्लोकिनो की, की अपडेट्स की तो भाई फ्लोकिनो में क्या चीज़ें देखने को मिली एक तो भाई इनके जो इस वीक में क्या क्या होने वाला है इन्होंने सारी अपडेट दे दिए भाई इनका जो ट्विटर का स्पेसिस है ट्विच पे जो ये परफॉर्म करने लाइव आते हैं ट्विटर पे स्पेस करेंगे ये सारी चीज़ें इनकी सोशल इंगेजमेंट तो इसकी पूरी की पूरी वीक बुक है वहीं पे अगर हम बात करें ोकिनो अपने जो फ्लोकीफाई के ऊपर काम कर रहा है उसके आप देख सकते हैं कि इसका जो फ्लोकीफाई जो लॉकर है उसमें तकरीबन जस्ट टू मिलियन डॉलर वर्थ की प्लस की जो लॉक लिक्विडिटी वगैरह है जो लॉकिंग है वो टी वी है वो लॉक हो चुकी है तो ये एक बहुत बड़ी चीज हमें देखने को मिली कि यूजर्स फिलोकीफाई को यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर बना रहे हैं फिलोकी को काफी आगे शायद देखने में उसके साथ हमने देखा कि भाई फिलोकी नू हमने देखा कि फैंटम के साथ भी हमें एक पार्टनरशिप देखने को मिली फैंटम पे फिलोकीम एफ डी एन पे भी हमने देखा कि फिलोकीफाई का जो सिस्टम है वो लाइव हो चुका है और काफी सारी प्लेटफॉर्म से जो इसको लाइव कर रही हैं अपने प्लेटफॉर्म में और दूसरी चीज अगर हम बात करें जो इसकी मेगा अपडेट इसको काफी चेंज ले की जा सकती है फ्लो की इनवेट्स टिकटॉक इंस्टाग्राम टू पुश ब्रांड टू मास यूजर जी बिल्कुल यहाँ पे फिलोकिनो एक मार्केटिंग कैंपेन लेके आया जो क्या कर रहा है टिकटॉक यूजर्स और इंस्टाग्राम यूजर्स को टारगेट कर रहा है जो एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि आप जानते हैं कि ट्विटर पे भी हमने देखा है कि फिलोकिनो के नियर बाय हमने देखा है कि फोर हंड्रेड के करीब जो इनके जो फॉलोवर्स है वो होने वाले हैं और अगर हम देखें तो इंस्टाग्राम जो तकरीबन एक मोस्टली जो एक्टिव प्लेटफॉर्म रहती है जिसमें तकरीबन दो बिलियन यूजर्स है तो फिलोकिनो वहां पर भी अपने यूजर्स को टारगेट कर रहा है उसके बाद अगर हम बात करें एक मिलियन यूज बिलियन यूजर के साथ जो टिकटॉक जैसी प्लेटफॉर्म है तो जो फ्लो की उसको भी टारगेट कर रहा है कि ये इट मीन कि हम कह सकते हैं कि ये ओवरऑल एक मार्केटिंग को लेके आगे जाने की पूरी की कोशिश कर रहा है और ये खुद को काफी आगे लेके जाने क्योंकि अगर यहाँ पे जो ये कैंपेन करेगा तो इस कैंपेन का हमें यह फायदा होगा कि ये यूजर्स होंगे वो मूव करेंगे फ्लोकी की तरफ फ्लोकी के होल्डर बढ़ेंगे फ्लोकी में इन्वेस्टमेंट आएगी तो ये सारा सर्किल मूव करता रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोक के बारे में क्या सोचते हैं मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो थी वो पसंद आई और आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया होगा तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है प्लीज थैंक यू